शिवसेना उपनेते कॉर्पोरेटर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन यशवंत जाधव, आज 28 अगस्त इनका जन्मदिन है, लेकिन आप जैसा जानते हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 के वजह से जाधव परिवार ने इस साल पूरी तरह से अपने जन्मदिन को त्याग दिया। इन्होंने जन्मदिन नहीं बनाए। हाल ही में आमदार इनकी जो वाइफ है उनका जन्मदिन था, उन्होंने भी नहीं बनाए। सर, इस वक्त आपका जन्मदिन के लिए लोगों को बड़ी चाहत थी कि आपका जन्मदिन हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही जोर शोर से बनाए, आपने इस साल जन्मदिन नहीं बनाए, इसकी क्या वजह खास आप बताएंगे, लोगों को क्या मैसेज देंगे? पहली बात तो एक है कि आपको मालूम होगा कि ये जो महामारी आई हुई है, महामारी की वजह से इस पूरे मुंबई शहर में, तो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इस तरह से माहौल फैला हुआ है। लोग इसमें से बचने की कोशिश कर रहे हैं और इसी में अगर जन्मदिन मनाने के अगर हम लोग दिल में लाते हैं तो हमारे हमें चाहने वाले, हमारा अच्छा हमेशा देखने वाले जो हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे जितने भी चाहने वालों में से हैं, सभी लोग वहाँ पर आएंगे। और आपको मालूम है कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से आज कोरोना को हम काबू करने के लिए सफल हुए हैं और ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो हमने जो आज तक जो संभाल लिया है सभी ने, तो कभी उसकी वजह से कोरोना का किसी को भी तकलीफ न हो। और पहली बात तो यह है कि जन्मदिन तो आते हैं, जन्मदिन तो मनाएंगे, पर जन्मदिन के बहाने हमको जो प्यार से मिलने वाले लोग हैं उनको किसी भी तरह की तकलीफ न हो। और जो सभी को मैंने यही आह्वान किया है कि आप लोग ये कोरोना की वजह से बिल्कुल मत आइए। सभी की सेहत आज मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग की सेहत अच्छी रहे, सभी लोग सेहतमंद रहें। और उसी के साथ साथ में आज मेरे जन्मदिन के वक्त बहुत सारे मेरे कार्यकर्ता, मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त जो आते हैं वो ही साथ साथ में कभी फूलों का गुलदस्ता लेकर आते हैं, कोई केक लेकर आते हैं। तो मैंने सभी को ये आह्वान किया है कि जो भी इस वक्त इस बहाने आप लोग मिलने आते हो, जो भी चीज़ देते हो, उसी का आप जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है श्रीमान उद्धव जी ठाकरे साहब, उन्होंने जो आह्वान किया है कि मुख्यमंत्री कोविड निधि जो है उसके लिए सहायता करो, तो ये जो फंड है आप उसमें दे देंगे तो मुझे बहुत सारी खुशी मिलेगी। मैं ज़रूर, मुझे एक अच्छा मैंने काम किया उसका एक आनंद मुझे मिलेगा। और इसी के रहते मैंने आज ये जन्मदिन सभी को बोला है कि आपकी जो भी शुभकामनाएँ हैं वो मैसेज के जरिए, फ़ोन के जरिए दीजिए, पर कोई भी मुझे मिलने के लिए मत आइए। यही आपकी मेरे लिए शुभेच्छा रहेगी जो आप फ़ोन पर दोगे, जो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और बहुत सारे लोगों ने इस माध्यम से मुझे शुभकामनाएं दी हैं। मैं सभी का शुक्रगुजार हूं और सभी का यहां पर आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों की प्रेम, आप लोगों का जो प्रेम है और आप लोगों ने जो आज तक जो हिम्मत दी है वो हिम्मत और प्रेम की वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। और इसी के पीछे अगर सभी का अगर आशीर्वाद है तो आप मेरे इस विभाग के सभी जनता का आशीर्वाद है। मेरे साहब जो है हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब, हमारी वहिनी रश्मि वहिनी जी, हमारे आदित्य साहब, हमारे तेजस साहब, ये जो फैमिली है इन्होंने हमेशा हमें आशीर्वाद दिए है। उन्हीं के आशीर्वाद से चल के आज इस मौके पर हम लोग पहुँचे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी ही सेवा इस पक्ष के माध्यम से इस विभाग में हमारे हाथों से होती रहेगी और जो जो हमारे चाहने वाले हैं और इस विभाग की जो भी जनता है वो जनता की सेवा हमारे हाथों से होती रहेगी। मैं सभी को फिर से एक बार आभार व्यक्त करूँगा, सबका शुक्रिया अदा करूँगा। और फिर से आपने जिस तरह से मुझे ये शुभकामनाएँ दी है, मैं आपका हमेशा हमेशा ऋणी रहूँगा। सुप्रिया टाइम से जुड़ने के लिए सर धन्यवाद। इसीलिए साउथ मुंबई में कहा जाता है यशवंत जाधव नहीं, यशवंत जाधव का काम बोलता है। मुंबई से साजिद कुरैशी, सुप्रिया टाइम्स।